ग्यारहवीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है। आज दैनिक पंजी या रोजनामचा, यार से नकलवाही भी कहते हैं, इस पर आप अध्ययन करोगे। तो दैनिक पंजी रोजनामचा मतलब जो डेली, दैनिक पंजी आपको पढ़ने से ही समझ में आता है, दैनिक पंजी मतलब रोज, मतलब हर दिन की जो व्यवसाय में पंजी किया जाता है या उनका रोजनामचा लिखा जाता है या उनमें प्रविष्टियां की जाती हैं, इस आधार पर आपको बता। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्मरण पुस्तिका क्या होती है, इसको कहते हैं स्मरण पुस्तिका क्या होती है। छोटे छोटे से आपको बता दूं प्रश्नों के ये आधार है। तो स्मरण पुस्तिका क्या होती है, तो व्यवसाय के जो सौदे होते हैं, आपको भी व्यवसाय करोगे जो सौदे होंगे ना, उसे तुरंत सादे कागज में या पुस्तिका में क्या करते हैं, अपन लिखते जाते हैं। कोई भी व्यवसाय उस पर लिखता जाता है जिसे उसे याद रहे। स्मरण मतलब याद रहना कि उसने कहां पर क्या किया, किसको दिया, किसको लिया, कहां देना है, ये सब उसको क्या करता है, एक पुस्तिका में लिखता जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, स्मरण पुस्तिका या फिर स्मरण वही या रफ बुक या कच्चा जर्नल भी कहते हैं। इसके बाद नकलवाही क्या की जाती है, तैयार की जाती है। किसी भी सौदे को पुस्तक में लिखने के लिए छूट ना जाए, इस दृष्टि से क्या करते हैं, स्मरण पुस्तिका मतलब आपने किसी भी व्यवसाय में आपने क्या लिया, पहले प्रविष्टि की क्या लिया, लेनदारी और मान लीजिए आपने क्या लेना है, तो उसको वह क्या करेगा, एक स्मरण पुस्तिका बनाएगा और क्या देना है, कितना क्रय किया, इन सब को क्या करेगा वह एक स्मरण पुस्तिका में रफली लिखता जाएगा। इसके बाद वह क्या करेगा, नकल वही तैयार की जाती है जिसमें सौदों को पुस्तकों में लिखने की छूट, मतलब कोई भी जो आपने सौदे किए हैं वह पुस्तक या स्मरण पुस्तिका में लिखने से वह छूट ना जाए, इस दृष्टि से स्मरण पुस्तिका का क्या करता है, वह प्रयोग करता है। कोई वस्तु मतलब जो व्यवसायी है वह क्या बनाएगा, एक स्मरण पुस्तिका बनाएगा और इसका प्रयोग मतलब अपने व्यवसाय के लिए करेगा, जबकि इस पुस्तक को रखना अनिवार्य नहीं है। वह केवल अपने याददाश्त को याद में रखने के लिए, अपने लेखा जोखों को लिखने के लिए क्या करता है, स्मरण पुस्तिका बनाता है और इस पुस्तकों को रखना मतलब ये पुस्तिका है जो वह रखना अनिवार्य नहीं है। तो ये क्या हो गया कि स्मरण पुस्तिका क्या होती है। फिर इसके बाद जनरल शब्द की उत्पत्ति जो से शब्द से हुई। तो मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन बन गया ये कि जनरल क्या है और इसकी परिभाषा दीजिए, तो इसके लिए आपको देखोगे जनरल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जोर शब्द से हुई जिसका अर्थ होता है डायरी, मतलब इसका अर्थ क्या है, डायरी, जिसमें उस डायरी में वह रोजनामचा, पंची, नकल बही, जनरल आदि होता कि जो हिंस के क्या है, पर्यायवाची है, जो जनरल लेखक को प्रथम पुस्तिका की प्रधान पुस्तिका है, जो जनरल लेख बनाए जाते हैं क्या है, ये प्रथम पुस्तक की प्रधान पुस्तक है और व्यापारी अपने समस्त व्यवहारों का लेखा इसी वही में क्या करता है, इसी वही में करता है। कभी कभी लेखा वह प्रत्येक व्यवहार को स्मरण वही में भी क्या कर सकता है, लिखता है, ताकि उसका कोई लेन देन या कोई सौदा लिखने में क्या हो जाए, छूट ना जाए। तो वह क्या बनाएगा, जनरल पंजी बनाएगा जिसमें वह सब लिखेगा, व्यापारी द्वारा अपने सौदे को, मतलब कोई भी व्यवसाय आप शुरू करोगे, जो व्यापारी है वह अपने सौदे को कैसा करेगा, तिथिवार या दिनांक सहित।
महीने का जो व्यवसाय शुरू करता है तो वह अपने जो सौदे हैं उनको वह दिनांक सहित तिथि बार है ना कि इस एक तारीख को मैंने क्या किया, दो तारीख को मैंने क्या लेन देन किया, तीन तारीख को मैंने क्या लेन देन किया। तो व्यापारी जो व्यवसायी है वह अपने सौदे को तिथिवार और क्रमानुसार क्या करता है, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार संक्षिप्त विवरण को विधिवत मतलब डेबिट और क्रेडिट के साथ क्या करता है, अपना पंजी बनाता है। तो वह क्या करता है, संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत विकलन एवं समापन कक्ष में प्रवृत्ति की जाती है, जिसे जनरल प्रवृत्ति की एक प्रक्रिया क्या होती है, पंजीयन कहलाती है। मतलब जनरल प्रविष्टि बनाता है जिसमें वह क्या कर सकता है, क्या करता है, वो सबको लिखता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, पंजीयन क्रिया कहलाती है। तो एक आपका ये प्रश्न हो जा समझ लीजिए, प्रश्न ही की तरह ही हो गया कि जनरल क्या है, कि जनरल क्या विभाजित किया गया है। तो लेखा की दृष्टि से भागों को लेखों को कितने भागों में विभाजित किया है, तो पहला है व्यक्तिगत खाता, दूसरा हो गया वास्तविक खाता और तीसरा है अवास्तविक या लाभांश संबंधी खाता। तो जो व्यक्तिगत खाता होता है व्यक्ति व्यक्ति के नाम से होता है, कंपनी के नाम से होता है, फर्म के नाम से होता है और जो व्यवसाय शुरू करता है उसके नाम से होता है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत खाता वह खाता होता है जो किसी व्यक्ति विशेष, जैसे आपने खाता खोला तो आपके नाम से हुआ तो वह क्या हो गया, व्यक्तिगत खाता हो गया। आपने वह फर्म खोली उसका खाता खोला तो वह फर्म भी आपकी है तो वह खाता भी कैसा हुआ, आपका व्यक्तिगत खाता होगा। तो जो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था, कंपनी या निगम आदि से दूसरा हो गया वास्तविक खाता। जिस उस वास्तविक खाते में क्या होता है, जिस खाते में संपत्ति या वस्तु का हिसाब लिखा जाता है, मतलब जो खाता वास्तविक खाता होता है जिसमें आपकी संपत्ति का और वस्तु के क्रय विक्रय का हिसाब लिखा जाता है उसे वस्तुगत या वास्तविक खाता कहते हैं। जैसे मान लीजिए रोकड़ खाता हो गया, भवन खाता हो गया, क्रय विक्रय खाता हो गया आदि। फिर उसके बाद है अवास्तविक खाता या लाभानी संबंधी। तो ये लेखे के दृष्टि से खाते हैं, आपको बता दूं लेखांकन मतलब जो लेखे किए जाते हैं उसकी दृष्टि से ये तीन खाते हैं। तो इसमें है लाभ हानि खाता, जिस खाते में आय और व्यय, मतलब आपने खाता खोला, व्यवसाय खोला तो उसमें लाभ हानि तो होगी, उसके लिए भी आपको खाते में जो आय हुआ, जो आय हुई, आपने जो व्यय किया, आपको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुई, इसके लिए भी क्या होता है, हिसाब लिखा जाता है जिसे क्या कहते हैं, लाभ हानि या अवास्तविक खाता भी कहते हैं। फिर इस पर जैसे किया गया ब्याज खाता, इसमें आपने लिखा ब्याज खाता हो गया, मजदूरी खाता हो गया, किराया खाता हो गया, या आपने जिससे लेन देन किया उससे मतलब आय व्यय लाभ हानि संबंधी जो लेखे लिखे जाते हैं, जो करे जाते हैं उसे अवास्तविक या लाभ हानि खाता कहते हैं। फिर है जनरल प्रवृत्ति करते समय इन तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आप जनरल में प्रवृत्ति मतलब इसके बाद आपको जनरल प्रवृत्तियों के बारे में बताऊंगी मैं, एक अपन छोटा सा उदाहरण लेके मतलब करेंगे। तो वास्तविक और नाम मात्र खातों से खाता मतलब जनरल प्रवृत्ति करते समय ध्यान रखना है आपको, वास्तविक और नाम मात्र खाता के साथ खाता सापेक्ष में एसी लिखना अनिवार्य होता है। मतलब आपने कोई भी खाता मतलब कोई भी एंट्री की उसके बाद आप सापेक्ष में आपको एसी ए ऑब्लिक मान लीजिए ए
व्यक्ति के खाते के अंत खाता या अकाउंट नहीं लिखना चाहिए। यदि खाता लिखा जाए तो नाम के बाद एस लगाकर लिखना चाहिए, जैसे कि राम खाता अकाउंट, मतलब राम एएसी, मतलब इसका मतलब हो गया अकाउंट, कैपिटल मतलब पूंजी खाता, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, इसमें एस नहीं लगाया जाता। तब जब आप किसी व्यक्ति से तो राम का खाता है, पूंजी खाता, ड्राइंग खाता, तब और बैंक खाता, ये सब आपके लिखने के बाद इसमें एस नहीं लगाया जाता। फिर है विकलन तथा समाकलन किए जाने वाले खातों का पहला शब्द अक्षर, तो कैपिटल अक्षर में लिखना चाहिए। बैंक खाता राम, राम खाता टैक्स खाता, ये सब जो होंगे समाकलन या विकलन किए जाने पर खातों का पहला शब्द कैसा होगा, आपका कैपिटल लेटर्स में होगा या आपको कैपिटल अक्षर में लिखना होगा। फिर है रकम के स्तंभ में रुपीस का शब्द का जो संक्षिप्त रूप है उसमें लिखना चाहिए। जो आप भी जनरल प्रविष्टि करोगे, जो भी लिखोगे, तो रकम है रकम के स्तंभ में आपको मान लीजिए रुपीस का जो संक्षिप्त आपको ऐसे लिखना है 500 भी लिखना है आर एस, तो ये संक्षिप्त रूप से ऐसे आप इसको लिखोगे। फिर विवरण के स्तंभ में प्रथम शब्द को लकीर से मिलाकर लिखना चाहिए। बाद में डेबिट का पक्ष मतलब संक्षिप्त रूप में डी आर लिखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में लकीर को हटाकर दूसरा शब्द थोड़ी सी जगह छोड़कर शब्दों के आगे आपको टू लिखना चाहिए। टू शब्द क्रेडिट का भूतक होता है। फिर है तीसरी पंक्ति में लेन देन का, अगर जो तीसरी पंक्ति उसमें आपको लेन देन का संक्षिप्त व्याख्या लिखनी चाहिए, जिसमें व्याख्या कोष्टक में दी जाती है, मतलब आपको एक कोष्टक में उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जैसे कि राम का खाता, आप उसको कोष्टक में लिखोगे, मतलब राम ने खाता खोला। आप अगर ऐसा है रोकड़ खाता, स्कंद खाता हो गया, तो वह खाता काय के लिए हुआ, व्यापार के लिए, तो आपको जो लिखना पड़ेगा उसको तीसरी पंक्ति में लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या करनी चाहिए। यह व्याख्या कोष्टक में दी जाती है, डेबिट तथा क्रेडिट का आधार मालूम होना चाहिए। मतलब आपने मान लीजिए रोकड़ खाता खोला, वह रोकड़ खाता काय के लिए खोला, आपने व्यापार के लिए, तो उसमें लिखना पड़ेगा रोकड़ खाता काय के लिए, ब्रैकेट में आप नीचे लिखोगे वह व्यापार के लिए खोला, तो रोकड़ खाता डेबिट नीचे लिखोगे आप उसके काय के लिए खोला, उसने व्यापार के लिए खोला, तो व्यापारी। फिर है व्याख्या लिखने के बाद हल्की लाइन खींचकर दूसरों के लेन देन का लेखा प्रविष्टि भी की जाती है। जब आपने व्याख्या लिखी, इसके बाद आपको हल्की सी लाइन खींचकर लेन देनों के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो आप मैं बता दूं, जो क्रय किया तो उसके बारे में लिखोगे, विक्रय जो आपने लिया, जो दिया उसके बारे में भी आप क्या करोगे, प्रविष्टि करोगे। डेबिट तथा क्रेडिट किए जाने पर खातों की राशि ठीक उनके सामने डेबिट स्तंभ में और क्रेडिट खातों में ठीक उसके क्रेडिट स्तंभ में, मतलब आपको एक चार्ट, मतलब एक आपको टेबल बनाओगे, उसमें आप विवरण लिखोगे। तो आपने खाता मान लीजिए राजा राम की दुकान की जनरल प्रविष्टि करना है, आपने एक लिख लीजिए राम की मतलब राम की पुस्तक में जनरल प्रविष्टियां, तो कैसे करोगे उसका हल लिखोगे। तो पहले आप दिनांक का कॉलम बनाओगे, फिर विवरण लिखोगे, फिर आप विकलन और समाकलन मतलब डेबिट और क्रेडिट का दो कॉलम बनाओगे उसे, तो डेबिट स्तंभ में और क्रेडिट स्तंभ में अलग अलग आप स्तंभ में सीधी लिखनी होगी, मतलब जो राशि आपने डेबिट, तो इसको प्रविष्टि की समाप्ति के बाद डेबिट और क्रेडिट के कॉलम का योग करना चाहिए। दोनों योग कैसे होने चाहिए, एक समान होने चाहिए।
तीनों तैनों को नेता और विक्रेता के नाम दिए होते हैं। वे प्रविष्टियां कैसी होती हैं? नगर होती हैं, मतलब जिनका लेन देन क्रेता और विक्रेता के नाम पर दिया जाता है उनकी प्रविष्टियां कैसी होती हैं? नगर होती हैं। फिर है नकलबाही की आवश्यकता क्यों होती है? नकलबाही है उसकी आवश्यकता क्यों है? इस बिंदु पर आप तो इसका मूल रूप से सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना। तो पहली आवश्यकता इसकी क्या है? मूल रूप से सौदे की संपूर्ण जानकारी रखना। तो सौदे की जो सत्यता है उसकी जांच के लिए सौदे का मूल रूप से लेखा करना क्या होता है? आवश्यक है। और आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या बनाया जाता है? नकल पूर्ति बही से होती है। फिर खाता बही के लिए क्या होता है? ये नकल बही क्या होती है? सहायक होती है। जो नकल बही के आधार पर क्या की जाती है? खाता बही को क्या करते हैं? कार्य सरल हो जाता है और नकल बही खाता बही की सहायक होती है। फिर है सौदे की संक्षिप्त बोधा, मतलब जो नकल बही है उसमें प्रत्येक सौदे का जो लेन देन है, जो क्रय विक्रय किया, लाभ हानि हुई, प्रत्येक सौदे की प्रविष्टि करने के बाद संक्षिप्त रूप से क्या कर सकते हैं? लिखा जाता है, जिसके आधार पर आपको सौदे की जानकारी क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर राम को हमने 5,000 में अब तक कोई उसने व्यापार शुरू किया तो उसके लिए उसको संक्षिप्त रूप से उसका ब्यौरा लिखेगा और उसके आधार पर सौदे की जानकारी क्या की जा सकती है? नकल बही के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिर दैनिक व्यवहारों का ज्ञान, नकल बही से किसी विशेष दिन में संपन्न हुए व्यवहारों की जानकारी सरलता से प्राप्त हो जाती है। फिर है पांचवा होता है विवादों को हल करने में सहायक, नकल बही प्रविष्टि एक अच्छा साक्ष्य है। मैं किसी विचार और नकल बही की सहायता से मतलब जो विवादों इसमें जो भी विवाद होते हैं मतलब कोई विवाद है तो नकल बही के माध्यम से एक अच्छा साक्ष्य माना जाता है। किसी विचार पर नकल बही की सहायता ली जाती है। आपको मैं बता दूं कि किसी से कोई विवाद हो गया, अपन ने लेन देन में कुछ वो हो गई, चूक हो गई, तो इससे विवाद में तब जो नकल बही है इससे विवाद हल करने में भी क्या होती है? सहायक होते हैं। फिर है छठा अंकेक्षण के लिए प्रमाणक, किसी भी सौदे के सत्यापन के लिए अंकेक्षण के लिए मतलब जांच के लिए नकल बही की सहायता ली जाती है, जिससे अंकेक्षण को क्या किया जाए? संतुष्ट किया जा सकता करने की संतुष्ट किया जा सकता है। तो आपने आज स्मरण पुस्तिका पढ़ा, जनरल पढ़ा, जनरल क्या होता है, जनरल प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, आपने और खातों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा और जनरल प्रविष्टि करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नकल बही की आवश्यकता क्यों आवश्यक है, ये आप पढ़ोगे परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद।